समाज प्रगति सहयोग संस्था बागली द्वारा शनिवार को बरझाई घाट पर पर्यावरण संरक्षण एवं प्राकृतिक वास को संरक्षित करने एवं जन समुदाय में जागरूकता फैलाने हेतु फोटो प्रदर्शनी, संवाद गतिविधियों तथा लोक कला गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत बरझाई और सोबाल्यापुरा के बच्चों ने डिंडोरी जिले के जाने माने गौर समुदाय के कलाकारों के सहयोग एवं मार्गदर्शन में गौर चित्रकारी भैरू बाबा मंदिर पर की गई। कार्यक्रम में समाज प्रगति सहयोग संस्था के संस्थापक सदस्य एवं बागली प्रगति समिति तथा पुंजापुरा प्रगति समिति के कार्यकारिणी सदस्य एवं कार्यकर्ता शामिल रहे। इस दौरान कार्यक्रम के माध्यम से आमजन को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया गया। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। तो बरझाई घाट पर आज का जो कार्यक्रम है, इसका हमारा मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण करना। वन्य जीवों को जो खाना खिला रहे हैं, उन्हें खाना न देकर उनके लिए कुछ दूसरा उपाय सोचना, जंगल को हरा भरा करना, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो इसी कार्यक्रम के लिए हमने आज यहाँ पर फोटो प्रदर्शनी और कुछ संवाद गतिविधियाँ, साथ में ही पब्लिक आर्ट के माध्यम से हम सभी में ये जन जागरूकता लाना चाहते हैं कि पर्यावरण हमारे लिए कितना ज़रूरी है और ये हमें जीवन दे रहा है, तो इसके प्रति हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम इसको जीवित रखें। क्या संदेश देना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से? हम सभी को यही संदेश देना चाहते हैं कि बंदरों को खाना न खिलाएं, बंदरों के लिए प्रकृति ने खाना बनाया है, उन्हें प्रकृति पर ही निर्भर रहने दें, क्योंकि हम लोग उनका पेट नहीं भर सकते, पेट उनका भरता है प्राकृतिक चीज़ें खाकर ही, तो उन्हें वहीं तक रहने दे, उनकी आदतें ना बिगाड़े और साथ ही जंगल को हरा भरा करने में सभी अपना सहयोग देवे। और जो हम प्लास्टिक और कांच की बॉटल्स वगैरह कचरा जो फैला रहे हैं घाट के आसपास भी, वो ना फैलाए और ये पूरा कार्यक्रम पूरे देश में लागू करने की आवश्यकता है। ये समाज प्रगति सहयोग द्वारा इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन आज किया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।